नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने अपने लाइफ में बादाम तो कभी ना कभी खाए होंगे, साथ ही आपके साथ में ऐसा भी हुआ होगा कि आपको खाया पिया बिल्कुल भी लगा नहीं। आपने खूब सारे बादाम खा लिए, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, बहुत सारी पौष्टिक चीजें खा ली, लेकिन आपको लग नहीं पाते सभी की सभी चीजें। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, एक्चुअली आपने इंटरनेट और यूट्यूब पर हजारों लाखों की संख्या में बादाम खाने के वीडियोस देखे होंगे, साथ ही उनके फायदों के बारे में भी जाना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, बादाम को किस तरीके से खाया जाए, कैसे खाया जाए, किसके साथ खाया जाए कि उनका आपको 100% पूरा फायदा मिल सके? आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूं कि आपको बादाम का सेवन किस तरीके से करना चाहिए, किसके साथ में करना चाहिए। अगर दोस्तों आप भी लगातार शारीरिक कमजोरी से पीड़ित हैं, बार बार आपको थकान हो जाती है, थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाते, हाथ पैर जोड़ों में, कमर में, पीठ में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, हड्डियां कमजोर हो चुकी है, अगर आप भी इनमें से एक भी समस्या से पीड़ित हैं तो इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सामने लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बादाम खाने के फायदों के बारे में, उसके बाद में जानेंगे आपको कितनी मात्रा में, किसके साथ और कैसे बादाम तैयार करके खाना है। दोस्तों, सबसे पहले अगर इनके फायदों के बारे में बात करूं तो ये बादाम खाना मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा माना ही जाता है, साथ ही ये शारीरिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो लोग दुबले पतले होते हैं, कमजोर होते हैं, जिनमें शारीरिक क्षीणता आ चुकी है, कमजोरी आ चुकी है, ऐसे लोगों के लिए बादाम खाना बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। साथ ही जिन लोगों के बॉडी में हाथ पैर जोरों में, कमर में, पीठ में दर्द की हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, तो बादाम के साथ में आपको दूध का सेवन अवश्य रूप से करना चाहिए, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बनेगी, साथ ही आपका शरीर भी फौलाद बनने लगेगा। जो लोग शारीरिक क्षीणता यानी कि मर्दाना ताकत की कमजोरी को महसूस करते हैं, वो भी बादाम के साथ में दूध का सेवन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आपको बादाम का दूध किस तरीके से तैयार करना है और आपको बादाम का किस तरीके से सेवन करना है। दोस्तों, आपको करना क्या है, रात को सोते समय 5 से 8 की संख्या में, आपको 8 से ज्यादा नहीं लेना और 5 से कम भी मत लेना, 5 से 8 की संख्या में आपको बादाम के टुकड़े लेकर रात को पानी में भिगो देना है। सुबह उठ करके आप उनके छिलकों को हटा ले, जब छिलके हटा लेंगे तो बिल्कुल व्हाइट बादाम की गिरी निकल के आ जाएगी और जो पूरे न्यूट्रिशंस है बादाम के, वो वाले आपके व्हाइट वाली बादाम की गिरी में रह जाएंगे। अब करना क्या आपको, दोस्तों जो पत्थर की शिला होती है ना, जिन पर माता बहनें चटनी आदि बनाती है, मसालों को आदि पीसती रहती है, उस वाली शिला पर आपको बादाम रखना है और उनके साथ में आपको एक छोटा मिश्री का टुकड़ा लेना है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो आप इस मिश्री को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप मीठा पसंद नहीं करते तो भी आप मिश्री को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में करना क्या आपको, पत्थर की शिला पर उसको अच्छे से आपको पीस पीस करके आपको इसका पेस्ट तैयार कर लेना है, और जब ये बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाए तो आपको इसे 1 गिलास दूध में डाल करके आपको सुबह सुबह खाली पेट इसका पी लेना है। ऐसा करने से पूरे दिन आपकी बॉडी में ताजगी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी, थकान बिल्कुल भी नहीं होगी, और जो कमजोर लोग हैं वो भी अपने आप में ताकतवर महसूस करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि जब भी आप इस बादाम का पेस्ट बनाओ तो आपको मिक्सर ग्राइंडर का आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो बादाम के जो औषधीय गुण होते हैं उसको ख़त्म कर देता है, इसलिए आपको बादाम के कोई भी फायदे नहीं मिल पाते, वो आपके शरीर को लग नहीं पाती। इसीलिए आपको पत्थर की शिला पर बादाम को पीसना है और उसको दूध में मिला करके आपको सुबह सुबह खाली पेट सेवन कर लेना है। ऐसा लगातार आपको लगातार 1 महीने तक करना है, या फिर आप चाहें तो इस अवधि को और भी लंबा बढ़ा सकते हैं, जब तक आप चाहें तब तक पी सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 दिन तक आपको इसका सेवन अवश्य रूप से करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई है, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।